So students, some more important tips for you. If you see this schedule which we have discussed earlier, यहाँ पर आप देखें तो इस लेवल पे जहाँ मेरा 40 का इनकम था उस जगह 40 का एडी आ रहा था, यानी मैं कहूँ तो y is equal to 80. इससे ऊपर जितना भी आप देखोगे उस समय आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 80 से छोटी आ रही है, यानी जितनी इनकम उससे ज्यादा डिमांड जनरेट हो रही है. ऐसा क्यों हुआ है, वो सारी चीजें अपन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे सब मिलता चलेगा. और इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद जहां y और 80 बराबर हो जाते हैं उसके बाद y starts to get greater than 80. अगर मैं ग्राफ पे बात करूं तो जहां मेरा इंटरसेक्शन हुआ था बेटा 40-40 पे जो मैंने आपको बताया था उसमें इस जगह y equal 80 आ रहा है. इससे पहले जितना भी ग्राफ बनेगा वो इस डेटा से बना है, वहां पर y line is smaller than 80. आप देख सकते हैं मेरी y line की शुरुआत कहां से हो रही है बेटा, तो आप देख सकते हैं मेरे y line की शुरुआत हो रही है 0 level of income से. 0 level of income से शुरू हो रही है, 0.6 से शुरू हो रहा है. तो ये जो gap दिख रहा है बेटा ये वाला, इसमें y line is smaller than 80 और उसके बाद ऊपर जितना भी curve जा रहा है that intersection point के बाद उसमें होगा y line greater than 80. एक चीज और आपने देखा होगा y को मैंने as करके शो किया है, y को as कैसे कर दिया वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे. अब जो आपने 80 शेड्यूल बनाया था उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन हो जाए. इस बार मैंने वैल्यू रखी 0, 30, 60, 90, 120, टिप्स वही रखी है. देखिए y 0 हो सकता है, बस इसको मैंने 0 नहीं रखा है, सेम टू सेम. दूसरा डेल्टा y को मैंने कांस्टेंट रखा है, डेल्टा सी को भी मैंने कांस्टेंट रखा है. 30 का गैप चल रहा है इधर बेटा, इधर चल रहा है 15 का गैप, 15 का गैप चल रहा है बेटा, ठीक है. तो डेल्टा वाई और डेल्टा सी दोनों मैंने कांस्टेंट रखे, लेकिन मैंने बात ध्यान रखी कि डेल्टा वाई की वैल्यू डेल्टा सी से बड़ी रखी है. एक चीज और, हम ऐसा क्यों करते हैं कि डेल्टा वाई और डेल्टा सी को कांस्टेंट रखना है, तो एक तो बेटा इससे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है, दूसरा इससे जो ग्राफ बन के आते हैं वो लीनियर कर्व बन के आते हैं और हमारे कर्व कोर्स में लीनियर कर्व्स ही हैं. मैं आपको कभी इन बिटवीन कभी कोई ऐसे ही एक्स्ट्रा शेड्यूल या एक्स्ट्रा कोई लेक्चर दे दूंगा तो उसमें आपको इरेगुलर या बिना कांस्टेंट स्लोप के भी ये करके बता दूंगा कि ये शेड्यूल कैसे बनते हैं, बट अभी आपको जो ध्यान रखना है वो कांस्टेंट स्लोप के साथ बनाने. तो डेल्टा बाय डेल्टा सी कांस्टेंट हो गया. आई को मैं रखना बेटा कांस्टेंट, पिछली बार हमने आई रखा था 10, इस बार हमने आई को रख दिया 20. यानी मैं आपको पूरी फ्रीडम दे रहा हूँ क्योंकि डेटा आप कैसे भी सेट कर सकते हैं. और AD का फॉर्मूला होता है बेटा सी प्लस आई, तो सी और आई को जोड़ के हमने AD निकाल लिया. अब देखिए ना, इस बार इंटरसेक्शन हो रहा है 60 और 60, वाई बराबर 80 यहाँ पर. इससे ऊपर जो भी होगा उसमें वाई लाइन जो होगी 80 से स्मॉलर रहेगी, यानी वाई लाइन स्मॉलर देन 80. एंड लास्टली इस इंटरसेक्शन के बाद बराबर होने के बाद y will be smaller than 80 और ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा. ये 45 डिग्री की लाइन कैसे बनाना बताया था आपको, बताया था. उसके बाद ये लाइन मैंने 30 से स्टार्ट की है और अगर सब कुछ सही थी, इवन आप देखिए मैंने अपने जो स्केल्स रखे हैं, जो पहली शर्त रखी थी मैंने, स्केल्स मैंने दोनों स्केल पे बराबर रखी है, तो स्केल्स बराबर होने के बाद और ये डायग्राम अगर सब कुछ सही करके बताया तो 60-60 पे इंटरसेक्शन होगा. यहाँ पर ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन के बाद वाला उसमें y greater than 80 होगा, इंटरसेक्शन के टाइम y बराबर 80 होगा और इंटरसेक्शन से पहले y smaller than 80 होगा. अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा y को as क्यों बोला था हमने, हमने बोला ना यहाँ पे कि बेटा y will be equal to as. तो देखिए ना इसके लिए दो आंसर है. एक तो है बेटा ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल जो अपन ने नेशनल इनकम के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल के हिसाब से हमने फेज 1 फेज 2 फेज 3 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फेज 1 होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद होती है इनकम जनरेशन और इनकम जनरेशन के बाद होती है एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. उस मॉडल को पढ़ाते समय हमने एक और डिस्कस किया था कि देयर वाज नो सेविंग असम्पशन मैंने पढ़ाई थी कि उसमें सेविंग्स नहीं होती है. तो ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल के हिसाब से हमने कहा था कि जब भी हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन करेंगे तो प्रोडक्शन मेथड का आंसर, एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर और इनकम मेथड का आंसर बराबर आएगा किसी भी मेथड से हम जाएं. तो एक आंसर तो वो है कि चाहे हम प्रोडक्शन बोले या इनकम बोले या जीडीपी बोले बात एक ही होगी. इसीलिए आपने देखा होगा मैंने एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट और जीडीपी तीनों वर्ड्स लिखे हैं. ये हो गया इनकम मेथड की तरफ से, ये हो गया बेटा मेरा प्रोडक्शन मेथड की तरफ से और ये हो गया मेरा बेटा जिसको हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ से.
तो एक तो ट्रिपल आइडेंटिटीज का आंसर है, दूसरा इसका जो टेक्निकल आंसर है वो क्या है कि जब मैं एएस शेड्यूल बनाता हूँ तो एएस शेड्यूल बनाने के लिए मुझे कुछ भी अलग नहीं करना है। अगर मेरे को वाई कॉलम सेट करना आता है तो वही वाई कॉलम आगे जाके एएस बन जाता है। वाई कॉलम अभी मैंने आपको सिखा दिया बेटा कि जीरो से शुरुआत करिए और बराबर बराबर क्या कर दीजिए। देखिए मैंने 20 का क्या करके एक वाई शेड्यूल तैयार किया है। अब जो मेरा वाई है वही मेरा एएस हो जाएगा। एक तो आंसर इसका ट्रिपल आइडेंटिटी है, दूसरा इसका आंसर ये है कि मैंने यहाँ की नोट्स लिखी है कि y बराबर a s कैसे होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ माना जाता है कि प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल ऑल द प्रोडक्शन व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग एंड आल्सो कंज्यूमर इज रेडी टू बाय ऑल द गुड्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग, जो हमने उधर ट्रिपल आइडेंटिटी में पढ़ा था। दूसरी बात, प्रोड्यूसर जितना उनके पास प्रोडक्शन है वो सब सेल करने को तैयार है, वो स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दे आर हैविंग एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि बाय चांस अगर वो सारा प्रोडक्शन अभी जो है वो सारा बेच भी देंगे और स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको पता है कि हमारे पास फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी भरी हुई है। ध्यान रखिए, अगर हमारे प्रोड्यूसर को पता है कि मेरे पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो वो स्टॉक मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब उसे पूरा भरोसा है कि मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए और रिसोर्सेज बाकी हैं, अनयूज्ड या अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं अभी मेरे पास, तो मैं अपना प्रोडक्शन कभी भी डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ। यानी जैसे जैसे एडी मूव करेगा वैसे वैसे एएस मूव करेगा, तो इस वजह से भी वो अपना सारा प्रोडक्शन सेलिंग में लगा या जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट होता है वो सब सेलिंग में लगा देते हैं। एंड इसमें ये पूरी जो थ्योरी चलती है वो 1930 में जो आपका ग्रेट रिसेशन हुआ था उस समय केन्स नाम के हमारे एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो इस मॉडल के हिसाब से y इक्वल ए एस होता है। इसीलिए अब देखिएगा जो मैंने 45 डिग्री की लाइन बनाई है, 45 डिग्री की लाइन बनाने का मतलब क्या है कि जब मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम को बनाते समय हमने ये बताया था आपको कि दोनों तरफ का स्केल आप बराबर रखोगे, तो जब आप इस स्केल इस लाइन के किसी भी पॉइंट को आप पढ़ोगे उसकी एक्स रीडिंग और वाई रीडिंग दोनों बराबर आएगी, और इसी वजह से यही लाइन वाई लाइन भी होती है और यही लाइन ए एस भी बन जाती है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ दिस शेड्यूल। नाउ वी विल हैव फॉर द मोर कंसेप्ट्स व्हिच आर गोइंग टू बी डिटेल्ड इन दिस चैप्टर।